हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का तीन मेथड होता है। सबसे फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और हमारा थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये हम लोग तीन इंटीग्रेशन का मेथड देखेंगे और साथ ही साथ इसका कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर वन से। तो एग्जांपल नंबर फाइव का क्वेश्चन नंबर वन है, साइन mx dx का हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम लोग लेट मानेंगे mx इक्वल टू t, मींस mx का वैल्यू को हम लोग को t मानना है, देन mx का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, m कांस्टेंट है तो m आ जाएगा, यहाँ पर dx आ जाएगा। तो mx का डिफरेंशिएशन होगा m इंटू dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन होगा dt। जैसे यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन dx होता है तो t का dt हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे dt। ओके, अब यहाँ पर जो m है उसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा dx का वैल्यू इक्वल टू dt by m। तो यहाँ का जो dx है उसका वैल्यू को हम लोग लिखना है dt by m और जो mx है उसका जगह लिखना है t। तो i का वैल्यू हो जाएगा, i मीन्स इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा साइन mx का जगह क्या बोले थे t लिखना है, तो यहाँ पर t आ जाएगा। देन dx का जगह लिखना है dt by m और ये m कॉन्स्टेंट है तो हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, i इक्वल टू जो 1 बाय m है वो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। देन sin t का इंटीग्रेशन होगा -cos t प्लस में c कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, जो t का है वो वैल्यू पुट कर देंगे। t का क्या वैल्यू हमने माने थे, mx को माने थे t, तो यहां पर लिखेंगे cos t का जगह पर mx देन प्लस में c। ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जांपल 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हम लोग को पहले मानना है लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। यहां पर मैंने x स्क्वायर प्लस 1 को ही t क्यों माना, क्योंकि अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा और यहां पर 2x का वैल्यू दिया हुआ है, मींस 2x यहां पर दिया हुआ है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, देन dx आएगा इक्वल टू t का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dt। ओके, अब यहां से हम लोग को क्या करना है, जो भी 2x dx का जगह है उसको हम लोग को dt पुट कर देना है, मींस 2x एंड dx ये दोनों के जगह हम लोग को dt पुट करना है और यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 के जगह हम लोग को t पुट करना है। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा i इक्वल टू 2x dx का जगह क्या लिखना है dt, तो dt को हम लोग यहां पर लिखते हैं, dt को हम लोग यहां लिखते हैं। देन यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह हम लोग को क्या पुट करना है, टी पुट करना है, तो यहाँ लिखेंगे टी। देन साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी देन प्लस में कॉन्स्टेंट सी, यहाँ पर से टी का वैल्यू लिखना है तो आई इक्वल टू माइनस कॉस टी का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, टी के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्लस में सी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग का इंटीग्रेशन फाइंड करना है 10 टू द पावर 4 रूट अंडर एक्स sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, लेट मानना है 10 रूट अंडर एक्स इक्वल टू टी। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x का जगह रूट अंडर एक्स एंड यहाँ पर x नहीं है, रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, मींस 1/2 रूट अंडर एक्स। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट अंडर एक्स। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा dx और इक्वल टू में t का डिफरेंशिएशन होगा dt। यहाँ से हम लोग को 2 को 2 जो डिवाइड में उसको हम लोग उस साइड मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो इसका वैल्यू आएगा sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स इक्वल टू dt इक्वल टू
सॉरी डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू टू डी डी। ओके तो हम लोग को क्या करना है, जो sec स्क्वायर रूट अंडर एक्स बाय रूट अंडर एक्स डी एक्स है, इसके जगह हम लोग को टू डी डी पुट करना है। मीन्स ये पूरे का जगह, ये पूरा का जगह हम लोग क्या पुट करना है, टू डी टी पुट करना है। देन टेन रूट अंडर एक्स का जगह हम लोग को टी पुट करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाएगा टेन रूट अंडर एक्स, तो इसका जगह हम लोग को टी पुट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी, इसका पावर कितना है, फोर है, तो टी का पावर भी हम लोग दे देंगे फोर। ओके, देन ये जो पूरा है टर्म, इसका जगह हम लोग को टू डी टी पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटू में टू डी टी। ओके, फिर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो टू कॉन्स्टेंट है तो टू को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो इसे हम बाहर लिख देंगे, देन टी का पावर फोर का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ता है, एक पावर बढ़ जाता है, टी का पावर फाइव हो जाएगा। देन जितना पावर बढ़ा है उतना पावर नीचे भी आएगा बाई फाइव, और प्लस में कॉन्स्टेंट आएगा सी। ओके, इसको हम लोग अगर टी का वैल्यू को अगर हम लोग दोबारा लिखेंगे तो यह आ जाएगा टू बाई फाइव, और टी को हम लोग क्या माने थे, टेन रूट अंडर एक्स को टी माने थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टेन रूट अंडर एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ पर टी का पावर फाइव है तो इसका पावर भी फाइव आ जाएगा, और प्लस में सी आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, साइन टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को किस चीज को लेट मानना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को अगर हम लोग लेट मानेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ओके, यहाँ पर टी का जगह और भी कुछ मान सकते हैं। देन इसका अगर हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यह वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में टी एक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी टी। ओके, देन अब हम लोग सॉल्व करेंगे आई का वैल्यू को, तो आई इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स का जगह हम लोग लिखेंगे टी, और डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग डी टी। तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी, सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आएगा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और प्लस में सी। अब यहाँ पर हम लोग टी का वैल्यू को लिख देंगे, तो माइनस कॉस, और टी का वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस इंटू टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सिक्स क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स को हम लोग तोड़ देंगे, मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। देन यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को फॉर्मूला लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, देन यहाँ पर साइन एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, लेट मानना है कि लेट कॉस एक्स बराबर टी। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स माइनस में साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स, और इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन होगा डी टी। देन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या कर देना है डी टी, मीन्स अगर ये माइनस को अगर उस साइड ले जाएंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस में डी टी। अब यहाँ पर आई का वैल्यू को पुट कर देना है, तो आई इक्वल टू यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस का जगह हम लोग लिख सकते हैं टी, यहाँ पर लिखेंगे टी, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर टी का भी स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स एंड डी एक्स ये दोनों को मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में डी टी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में डी टी। ओके, देन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग क्या माने थे, कॉस एक्स को माने थे टी, तो यहाँ पर लिखेंगे टी, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। ओके, देन इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर को वन से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर, आई इक्वल टू टी स्क्वायर। देन अगर हम लोग टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी का पावर फोर, और ये माइनस में
मीन्स माइनस में टी का पावर 4 और यहाँ पर इंटू में आ जाएगा माइनस में डी टी। ठीक है, अब ये तो माइनस में डी टी है, उस माइनस को अगर इंटर करेंगे तो आई का वैल्यू आएगा आई इक्वल टू माइनस इंटर करेंगे तो ये जो माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस टी का पावर 4। तो हम लोग पहले लिख सकते हैं प्लस टी का पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस मीन्स माइनस टी का पावर 2 देन यहाँ पर आ जाएगा डी टी। मैंने सिंपली क्या किया था, जो माइनस को अंदर भेज दिया तो इसका साइन चेंज हो गया, ये टी स्क्वायर माइनस में देन टी का पावर 4 प्लस में। अब इसका इंटीग्रेशन होगा टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर 5/5 देन टी का पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा टी का पावर 3/3 और प्लस में कॉन्स्टेंट सी। अब हम लोग क्या करना है, जो टी है उसका वैल्यू पुट कर देना है मीन्स कॉस एक्स, टी जहां जहां पर टी है वहां हम लोग को लिख देना है कॉस एक्स। तो आई इक्वल टू हो जाएगा कॉस कॉस 5x मीन्स कॉस का पावर 5x बाई 5 माइनस कॉस का पावर 3x बाई 3 प्लस में सी। ओके, ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को डिफरेंस इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन एक्स डिवाइड बाय साइन ए प्लस एक्स और इसको भी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग लेट मानेंगे ए प्लस एक्स इक्वल टू टी, लेट ए प्लस एक्स इक्वल टू टी देन इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए जो है कॉन्स्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा देन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन होगा डी टी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी टी। ओके, अब यहाँ पर आई का वैल्यू लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स का जगह हम लोग को लिखना है एक्स का जगह लिखेंगे यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए को हम लोग टी के साइड भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी माइनस ए मीन्स हम लोग एक्स का जगह लिख सकते हैं टी माइनस ए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टी माइनस ए डिवाइड में साइन और ए प्लस एक्स का जगह हम लोग लिख सकते हैं टी साइन टी और यहाँ पर डी एक्स का जगह लिख सकते हैं हम लोग डी टी बिकॉज यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू क्या है क्या आया है डी टी आया है। अब हम लोग को इसको आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे साइन टी माइनस ए को हम लोग सॉल्व करेंगे मीन साइन इसको हम लोग मान सकते हैं ए माइनस बी साइन ए माइनस बी तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए मीन साइन टी इंटू साइन बी मीन साइन ए मीन्स टी को हम लोग ए माने हैं और इसको बी माने टी को हम लोग ए माने हैं और ए को माने हम लोग बी तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी माइनस सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ओके, तो यहां पर आ चुका है साइन टी माइनस ए का फॉर्मूला साइन टी इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस टी और डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं साइन टी तो यहां पर हम लोग लिख देंगे साइन टी और यहाँ आ जाएगा डी टी। ओके, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना है, पहले हम लोग को ये इसको इससे डिवाइड करना है फिर इसको इंडिविजुअली इससे डिवाइड करना है साइन टी से डिवाइड करना है देन आई का वैल्यू आ जाएगा अगर साइन टी को साइन टी से डिवाइड करें तो ये कैंसिल आ जाएगा बचेगा कॉस ए तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए और यहाँ पर अगर हम लोग साइन लगाएंगे डी टी का तो यहाँ डी टी का साइन लग जाएगा देन यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे देन इंटीग्रेशन का साइन और इसको अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर टी है बट यहाँ पर जो कॉस टी है और साइन टी है दोनों का जो डिग्री है वो सेम है यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है तो कॉस बाय साइन हो जाता है कॉट और इसको लिख देंगे हम लोग बाहर यहाँ पर लिख सकते हैं साइन है जो कि ये क्या है कॉन्स्टेंट है देन कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट और टी है तो यहाँ पर आ जाएगा टी और यहाँ पर भी डी टी। ओके, देन इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ये तो बाहर ही हो जाएगा देन डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा इनटू में टी। ओके, माइनस ये भी कांस्टेंट है तो ये बाहर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे साइन ए और कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है कॉट टी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग मोड में साइन टी। ओके, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ये होगा कॉट टी का इंटीग्रेशन कॉट टी का इंटीग्रेशन तो cot t का इंटीग्रेशन होता है log मोड में sin t। अब इसे अगर हम लोग t का वैल्यू को पुट करेंगे t का वैल्यू को a plus x पुट करेंगे तो ये आएगा आंसर i इक्वल टू cos a और t का वैल्यू को पुट करेंगे क्या a plus x यहाँ पर लिख सकते हैं a plus x देन यहाँ पर माइनस sin a
और ब्रैकेट के अंदर लॉग, यहाँ पर भी टी का वैल्यू है तो साइन टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस एक्स, देन यहाँ पर ब्रैकेट बंद मॉड क्लोज एंड प्लस में सी। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/1 प्लस 10x dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर i इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 10x इक्वल टू होता है sin x / cos x। तो यहाँ हम लोग सिंपली लिख सकते हैं sin x / cos x, ओके यहाँ पर dx। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो cos x * 1 cos x + sin x, आगे जो cos x है उसको ऊपर भेज देंगे तो यह आ जाएगा cos x। मीन्स यहाँ पर i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा cos x * 1 cos x प्लस में यहाँ पर sin x, देन ये जो cos x डिवाइड में बचेगा उसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर आएगा cos x और यहाँ पर dx, ओके। फिर i इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग cos x को cos x प्लस cos x माइनस sin x प्लस साइन एक्स, ओके। अब मैंने ये कैसे लिखा क्यों लिखा ये मैं बताता हूँ। फिलहाल मैं नीचे में जो बच चुका है वो लिखता हूँ cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स और यहाँ पर dx, ओके। फिर यहाँ पर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया है, जस्ट यहाँ पर देखिएगा कि साइन एक्स जो है माइनस में है और साइन एक्स यहाँ पर प्लस में भी है, तो ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा cos x प्लस cos x मीन्स 2 cos x, बट यहाँ पर तो cos x ही है इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से भी डिवाइड भी किया, ओके। उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं i इक्वल टू यहाँ पर cos x है और एक sin x है, तो cos x प्लस sin x को एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा i इक्वल टू cos x प्लस sin x एंड ये वाला और ये वाला इसको साथ में लिख दिया, ओके। फिर यहाँ पर आया cos x माइनस sin x, तो इसको भी हम लोग एक साथ लिखते हैं cos x माइनस में साइन एक्स, ओके। फिर डिवाइड में 2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो 2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं 1/2, ओके। यहाँ पर अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब यहाँ से जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है ये दोनों कट जाएगा अगर इसको इंडिविजुअली दोनों से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/2 ये cos x plus sin x by cos x plus sin x ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ओनली dx। फिर यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर भी 1/2, इसको हम लोग दोनों जगह डिवाइड कर दिए 1/2 इसके साथ फिर 1/2 इसके साथ, यहाँ पर आ जाएगा आंसर आगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus sin x डिवाइड by cos x plus sin x। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos x माइनस में sin x, ये ऊपर वाला टर्म उसके बाद नीचे वाला हम लोग डिवाइड में लिखेंगे cos x प्लस में साइन एक्स और यहाँ पर भी साइन देंगे dx का, ओके। हम लोग को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना तो ये बहुत इजी होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 और dx का इंटीग्रेशन होता है x, ओके प्लस में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो इससे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर नीचे वाला को देखें तो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, लाइक cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, तो अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो आंसर क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर किसी भी इंटीग्रेशन में अगर आपको फाइंड पता चले कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो इसका आंसर होता है log में नीचे वाला, मीन्स log में cos x प्लस साइन एक्स, ओके और प्लस में c। यहाँ पर हमने देखा कि cos x प्लस sin x का जो डिफरेंशिएशन था वो ऊपर था, इसलिए हमने क्या लिखा इसका आंसर, इसका इंटीग्रेशन का आंसर लिखा log mod में नीचे वाला मीन्स cos x प्लस sin x और प्लस में c। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का और ये कैसे होता है हम लोग यहाँ पर छोटा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को लिखेंगे, ये क्वेश्चन है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x और डिवाइड में cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x और dx, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ये सॉल्यूशन आना चाहिए तब ये प्रूफ हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे या फिर लेट मानेंगे नीचे वाला को cos x प्लस sin x इक्वल टू t, अगर हम लोग इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इधर भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा माइनस में sin x
और इसका आएगा प्लस में cos x, मींस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और इनटू में dx इक्वल टू dt, ओके। अब यहाँ पर हम लोग इसको अगर चेंज करेंगे माइनस साइन एक्स को बाद में लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा पहले कॉस एक्स को लिख देते हैं देन यहाँ पर माइनस साइन एक्स को, ओके, और इनटू में डीएक्स और इक्वल टू में डीटी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं वन बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ पर डीएक्स भी साथ में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डीटी लिख सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा डीटी और डिवाइड में यहाँ पर एक cos x plus sin x और cos x plus sin x को हम लोग क्या माने हैं t माने हैं तो नीचे में आ जाएगा t। तो जब भी इस फॉर्म में होता है कोई भी ऐसे dt by t है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 by 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होता है log में t, log t, और यहाँ पर t क्या है नीचे वाला जो log में है नीचे वाला है इसलिए हम लोग log में t लिखे है और यहाँ पर प्लस में कॉन्स्टेंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे जो t का हम लोग वैल्यू माने थे t का वैल्यू cos x plus sin x तो वो लिख देंगे। तो सेम यहाँ पर भी हमने वही लिखा है लॉग में टी और टी का जगह क्या लिखे हम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यानी इसको डायरेक्टली हम लोग लिख दिया है। तो चलिए हम लोग कुछ अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमारा टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं लॉग में सेक एक्स और प्लस में सी, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा लॉग सेक एक्स। देन यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स का कॉट एक्स का देखेंगे तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग में साइन एक्स और प्लस में सी। फिर हम लोग देखेंगे सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन का होता है लॉग में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में सी, तो सेक एक्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। देन यहाँ पर हम लोग लास्टली देखेंगे कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग में कोसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। ये कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो कि ये हमने डायरेक्ट लिखा है तो इसे जो भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।